दोस्तों आपने मटन रेसिपीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको हिमाचल के पहाड़ी बकरे की रेसिपी दिखाने हिमाचल के धर्मशाला लाया हूँ। यहाँ पीतल की चिरोटी में पहाड़ी बकरे का रोगन जोश ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। ये मटन हिमाचल के लोगों द्वारा तो बहुत पसंद किया जाता ही है, बल्कि यहाँ का मटन पुलिस वालों को भी इतना पसंद है कि वो भी खाने आते हैं। तो आइए आज इस मटन की ट्रेडिशनल रेसिपी देखते हैं और आज आपको खा करके बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मैं हूँ धर्मशाला में, हिमाचल में। और हिमाचल में मैं ढूंढ रहा था कि मुझे नॉनवेज कंटेंट मिल जाए, जबकि वैसा मिल नहीं रहा था और हर जगह चिकन रेसिपीज थी। बट फाइनली एक जगह मिल गई है, वो है ये शेर ऑफ पंजाब। और यहाँ पर मटन रेसिपी है और बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में हम बनवाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं और इनसे बात करते हैं। आइए। तो सर, हेलो, आप कब से ये अपना शेरे पंजाब ढाबा कब से चला रहे हैं? सर ये ऐसा है कि ये जो ढाबा है 1980 से हमारे फादर साहब चलाते थे। 1980 से उनका नाम है काला। काला, काला। और ये मोमोज भी आप ही का है क्या, काला मोमोज? हाँ, पहले यहाँ पे खाली मटन राइस का काम होता था, जो स्टार्टिंग में 10 रुपीज प्लेट होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड 10 रुपीज, क्या बात है। ये आप 80s की बात बता रहे हो, फादर साहब के टाइम की? 80s टू 90s तक। और ये जो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, ये कब आपने स्टार्ट किया? इसको हो गए 10 साल। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं आपके? हमारे यहाँ पर मैक्सिमम नॉन वेज का काम है, नॉन वेज का ज्यादा, मटन का ज्यादा चलता है, मटन रोगन जोश पहाड़ी बकरा। क्या बात है, तो यहाँ काफी फेमस है। और क्या क्या डिशेज है मटन में आपके पास? मटन में मटन कबाब है, मटन रोगन जोश, मटन मसाला। मटन मसाला भी है? तो मटन मोमोज, मटन मोमोज जो स्पेशलिटी आज की डेट में यहाँ की। आज सर मैं अगर आपके साथ में मटन रोगन जोश रेसिपी करना चाहूँ तो आप कराएंगे? श्योर, बिल्कुल श्योर। चलो आइए सर। हाँ, ये हमारा किचन है। ये देखो जी, कटिंग स्टार्ट हो गई है। क्या बात है। मटन प्रिपरेशन के लिए जो मटन होता है वो कौन सा यूज होता है? मटन होता है यहाँ बकरे का, पहाड़ी लोकल बकरा होता है, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। क्या बात, जो आप खाते हो कहीं सिटीज में वो खाते हो आप राजस्थानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका टेस्ट नहीं होता है, इसका टेस्ट 10 times ज्यादा होगा इस वाले का। इस वाले का ठीक है जी, आज खा करके देखते हैं। और अगर इतना अच्छा हुआ जितना आप बता रहे हो ना, तो मैं लोगों को कहूंगा कि बिल्कुल यहाँ आए और टेस्ट करके देखें। तो फिलहाल हम पूरी तैयारी करा लेते हैं, फिर उसके बाद रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले ये क्या हो रहा है? ये हमने प्याज को सरसों का तेल इसमें डालकर इसको हम भून रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल। तो पहले आप प्याज को भून लेते हो अलग से? इसको भून लेंगे, इसको बिल्कुल रेड कर देंगे। अच्छा, सबका अपना डिफरेंट स्टाइल है, अपनी जगह का। ये तो मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट है, मजा आएगा। हम पहले प्याज को रेड करके क्रिस्पी करके फिर इस चिरोटी में बनाते हैं पीतल की, इसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है पीतल की चिरोटी का, पहाड़ी बकरा इसमें ज्यादा टेस्टी बनता है। बहुत बढ़िया जी, बाकी की देखो सारी चीजें यहाँ पे कट रही है। ये लहसुन है, पहाड़ी लहसुन, देखो कितना, देखो कितना बड़ा बड़ा लहसुन है ये देखो। तो गिरीश जी, ये तो अपने यहाँ पे हो रहे हैं ना प्याज, तो अभी देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो है इनका मटन देखो रखा हुआ है, और ये सारे मसाले देखो कितना खूबसूरती से यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। तो गिरीश जी सबसे पहले ना मटन के बारे में बताओ, क्योंकि आपने मटन की बहुत तारीफ की हुई है। बिल्कुल सर, ये जो मटन है ये है पहाड़ी बकरा। अच्छा जी, ये बस यहाँ पे हिल एरिया में मिलेगा, हिल एरिया में है। वो जो आप जो सिटीज में जो मटन लेते हो खाते हो वो होता है राजस्थानी, वो ये जो पहाड़ी बकरा ये वहाँ नहीं मिलेगा सिटीज में। और आप जो है बकरा जो है वो हलाल लेते हो? झटका होता है, सब जगह झटका मिलता है हिमाचल में, तो धर्मशाला में तो झटका मिलेगा हर जगह। अच्छा जी, तो हमारे यहाँ झटका मिलेगा। तो दोस्तों ये झटका मटन है, देखो अगर आप हिमाचल आते हो तो ये बहुत सही बताया है इन्होंने, एक नॉलेज दी है कि यहाँ पे आपको झटका मटन ही मिलेगा। एक बार क्या क्या पीसेस है सर, और एक बार पीसेस के साइजेस दिखा दीजिए। ये देखिए, ये पुट के पीस है, बैक के स्पाइनल कॉर्ड के, ये बाजू का पीस है, ये पुट का पीस है, बैक का, ये सीने का पीस। तो पीस मतलब सारे आपने भरे हुए लिए हैं ना, और इसमें ज्यादा चर्बी नहीं है, मैं ये भी देख रहा हूँ। चर्बी नहीं, मिक्स पीस होगा ये जो बकरा, ये 25 से 30 किलो का है। 25 से 30 किलो का? 25 से 30 किलो, इतना बड़ा बकरा। ना ये जल्दी पकेगा ना ये लेट पकेगा। अच्छा, इसमें टाइम लग जाएगा। अच्छी क्वालिटी का ये। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। ये बाजू का गोल पीस, बोनलेस, ये बोनलेस, ये आगे खड़े मसाले, ये तो आगे जी खड़े मसाले, ठीक है, ये फ्लेवर के लिए है। ओके, पेस्ट आ गया, जिंजर गार्लिक, ये जिंजर और ये गार्लिक, रेड मिर्च, ओके, रेड धनिया पाउडर, हल्दी, जेगी मिर्च, सॉल्ट, जीरा पाउडर, और ये मेरे को कुछ ऐसे वो मीट मसाले मसाला। बहुत बढ़िया जी, देखो ये तो ले लिए इन्होंने मसाले। और अपन कितना केजी अभी बना रहे? अभी हम बना रहे 3 kg। 3 kg, ये देखिए ये जो है मटन को हमने इसको क्रिस्पी कर दिया। क्या बात है यार, ये देखो हम क्रिस्पी करके हम इसको पीतल की चिरोटी में बनाएंगे।
पित्तल की चरोटी मैंने देखा, ये हिमाचल में लोग इसमें बनाते तो वो ऑथेंटिक प्रोसेस होती है। इसमें टेस्ट काफी अच्छा रहेगा। क्या बात है दोस्तों, ये देखो प्याज बिल्कुल तीन के जी के लिए हम डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कितना के जी प्याज डाल रहे हैं तीन के जी के लिए? एक से डेढ़ के जी। एक से डेढ़ के जी। ये देखो जी, ये डल गया इसमें। ये देखो, तो डेली इसी तरीके से प्रिपरेशन होती है आपके यहां पे ना? जो रोगन जोश, रोगन इसमें निकलेगा, रोगन इसमें से निकलेगा। मतलब तीन किलो मटन में वन के जी ऑनियन डाला है इन्होंने। और अब ये आ गया है देखो मटन, अब डल रहे मटन के पीसेस। ये देखो यार, ये है माहौल, पहाड़ी रोगन जोश आज बन रहा है। धर्मशाला में है हम, हिमाचल में, शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है ये। और बाहर वेदर कितना सही हो रहा है, नहीं बारिश स्टार्ट हो गई है धर्मशाला में। मैंने सुना है गिरीश जी, धर्मशाला में कभी भी बारिश हो जाती है? कभी भी हो जाती है, देखो है? अभी धूप थी। हाँ, अभी जब मैं आया था तब धूप थी, सही बात है। अच्छा गिरीश जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका जो इसको हम जितना देर भूनेंगे उतना इसका टेस्ट निकलेगा, उतना रोगन निकलेगा। अच्छा जी, और वैसे कितनी देर बुनाई होती है इसकी? 15 से 20 मिनट। बस 15 से 20 मिनट? 15 से 20 मिनट। क्या बात है, उसके बाद हल्की आंच में छोड़ देंगे। देखो दोस्तों कितना सही लग रहा है यार इस चरोटी में। देखो गिरीश जी तो इसको अब इस चरोटी में घुमा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बाहर का वेदर कैसा हो गया है। अभी जब हम आए थे तब धूप थी और अभी देखो ये बारिश हो रही है बिल्कुल। क्या बात है जी। तो गिरीश जी थोड़ा इस धर्मशाला के बारे में बताइए ना, कि ये कैसा शहर है, कितना बड़ा है, लोकल लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे? ऐसे कि धर्मशाला तो पहले फेमस था दलाई लामा, दलाई लामा जी, दलाई लामा जी की वजह से फेमस था। अच्छा, 1965 में आए थे तिब्बत, उसके बाद ये यहीं पर ही हमारे शरणार्थी हो गए। और इनका कोई तब से थोड़ा धर्मशाला को जाने लगे लोग। अच्छा जी। उसके बाद काफी यहाँ बुद्धिस्ट कल्चर, यहाँ दलाई लामा टेम्पल है। फिर उसके बाद 2004 के बाद यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बना। उसके बाद तो यहाँ काफी वर्ल्ड मैप में आ गया ये, और तब से टूरिस्ट बहुत बढ़ गया। टूरिस्ट बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों चरोटे में कैसे चल रहा है यहाँ का मटन, पहाड़ी मटन। तो गिरीश जी ये सारे मसाले ले आए ना, तो अब बताओ सर क्या क्या जाएगा पहले? ये आ गया पहले हल्दी पाउडर। सबसे पहले तो देखो जी हल्दी पाउडर डल गया, बहुत बढ़िया। देगी मिर्च, देगी मिर्च एक के बाद एक डलता जा रहा है दोस्तों, देखते जाइएगा। नमक, धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, ये तीखी वाली लाल मिर्च, MGS मीट मसाला, मीट मसाला सॉरी, जिंजर गार्लिक, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये सिर्फ गार्लिक पेस्ट। क्या बात है जी, ये सारे मसाले एक ही बार में देखो इन्होंने चरोटी में डाल दिए हैं। इसको तब तक डालेंगे जब तक ये पकेगा नहीं, और इसको हम कुकर में विसल लगाएंगे। कुकर में विसल नहीं लगा रहेंगे, सब कुछ चरोटी में ही बनता है, चरोटी में बनेगा। क्या बात है जी, तभी तो ऑथेंटिक है ये। और इसमें ना पानी लगाएंगे हम। अच्छा, पानी भी नहीं डलेगा? बिल्कुल नहीं, एक बूंद भी नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या बात है जी, मतलब एक के बाद एक पत्ते खोल रहा हूँ मैं। सही है, जितना बोलेंगे उतना ये। हाँ, ये देखो दोस्तों यार आ रहा है क्या मुंह में पानी, ये देखो। तो गिरीश जी ये जो आपका शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है ना, ये एग्जैक्टली धर्मशाला में कहाँ है, हमारे व्यूअर्स को बता दो आप। ये जो था ये पॉइंट है, पहला बस स्टैंड होता था यहाँ। अच्छा, बस स्टैंड होता था? बस स्टैंड। अच्छा जी, अभी बस स्टैंड शिफ्ट होकर थोड़ा नीचे चला गया पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल पंप, हाँ, तो ये मेन पुराना बस स्टैंड बोलो तो ये पॉइंट, ये उस नाम से फेमस है। बहुत बढ़िया। तो अपने मटन की खपत कितनी है डेली की? 10 kg, 10 kg मटन निकल जाता है। और चिकन कितना निकलता है आपका? चिकन 10-20 kg, 10-20 के बीच में निकलता है ना। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने ये जो चिकन है मैरिनेट करके रखा हुआ है, और मैरिनेशन करके यहाँ पे देखो प्रोसेस हो रही है। तो चिकन की भी बहुत सारी रेसिपीज ये बनाते हैं। गिरीश जी मैंने एक चीज नोट की यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, कि आपको चिकन तो हर जगह मिल रहा है बट मटन बहुत ही रेयर मिलता है आपको। रेयर मिलता है। और जब आपने बोला ना मटन रोगन जोश बनाते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि क्या आप हमें आपकी ये जो है रेसिपी दिखा सकते हैं क्या। और दोस्तों फाइनली हमें मटन रेसिपी मिल गई है हिमाचल प्रदेश में, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। देखो इस चरोटे में बनता है पीतल के। ये देखो यार अंदर की रंगत देखो आप। ये जितना जितना देर तक हम इसको भूनते रहेंगे, हाँ, वैसे वैसे ये पानी छोड़ता जाएगा, अपनी ग्रेवी निकलती जाएगी। हाँ, मटन अपना पानी छोड़ेगा, सही बात है, और कोई पानी की जरूरत नहीं इसमें। बहुत ही बढ़िया यार, इसमें तो अभी से ही रंग ले लिया, अभी तो अपन को डाले 5 मिनट भी नहीं हुए। ऐसा कि हमारे फादर का 40 साल पुराना बिजनेस है, 1980s का, तो ये विरासत में मिला टेस्ट। क्या बात है, कोई सिखाया नहीं है, लेकिन आपने इस लेगेसी को बहुत सही आगे बढ़ाया। हाँ। और कौन कौन है गिरीश जी फैमिली में? और मेरा ब्रदर है मेरे साथ। उनका क्या नाम है? उनका नाम है अमित, अमित जी।
और मैंने ये भी देखा था कि काला मोमोज के नाम से आपका काला जो है वो हमारे फादर का नाम है, उसके नाम से फेमस है शॉप। अच्छा जी, तो ये जो पॉइंट है ये काला मोमो के नाम से फेमस है पुराना। अब कहीं ऐसा नहीं बोलते कि पुराने बस स्टैंड जाना है, तो बोलते काला मोमोज के पास मिलो, लैंडमार्क की तरह यूज कर रहे लोग। क्या बात है जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देखो ऑथेंटिक तरीके से मटन मेकिंग और रेस्टोरेंट तो चला ही रहे हैं, इसके अलावा एक इनका काला मोमोज के नाम से एक मोमो का बाहर काउंटर लगाते हैं। तो गिरीश जी एक और आप मेरे को बात बताओ कि तो आपने लिया है, आपने बताया 20 से 25 किलो का बकरा, तो उस हिसाब से ये बकरा आपने मेरे को बताया कि इसकी मेकिंग हो जाएगी आधे घंटे में, कैसे पॉसिबल है? ये भुनने से हो रहा है क्योंकि इसमें जो है गैप कम है। अच्छा, पतीले में गैप रोटी में होता है। ओके, अगर पतीले में बनेगा तो अंदर स्टीम है, उस स्टीम से पक जाएगा जल्दी। क्या बात है, मतलब ये इसके पीछे ये टेक्निक है, जल्दी पक जाएगा। क्या बात है। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि इस चरोटे में कुकर से भी जल्दी पक जाएगा। हां, इसका फेस छोटा है, पेट बड़ा है, पेट बड़ा है। क्या बात है जी। तो ये कारण है इसके जल्दी पकने का, जल्दी पकने का, टेस्ट का, और टेस्ट का, टेस्ट का। आप पितल में पानी पियो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा पितल के गिलास में, और इसको अगर हम उसमें बनाए लकड़ी की आंच में, लकड़ी की आंच में, तो उसका टेस्ट तो और कुछ होगा है, उसका तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं है। चूल्हे में, चूल्हे पे। अच्छा, मैंने ये भी देखा था कि जो पहाड़ी लोग हैं ना, ज्यादातर वैसे तो वेजिटेरियन होते हैं, बट यहाँ पे धाम बहुत चलती है जो इनका ट्रेडिशनल फूड होता है शादियों वाला, तो क्या उसमें यहाँ हिमाचल में इस साइड नॉनवेज परोसा जाता है क्या? नॉनवेज होता है यहाँ, डेथ में भी परोसा जाता है, बर्थ में भी, मैरिज में भी, डेथ में भी, डेथ में भी। अच्छा जी, जो यहाँ का लोकल गद्दी कल्चर है उनके डेथ में भी, जो उनके होते हैं 13वें 14वें दिन जो वार होते हैं, उसमें डेथ में मटन परोसा जाता है। परोसा जाता है, बिल्कुल। क्या बात है, आप आज नई नई चीज़ें बता रहे हो, और वैसे भी मेरा हिमाचल का ये पहला टूर है तो जानकर अच्छा लग रहा है कि यहाँ का ट्रेडिशन बिल्कुल ही अलग है। 100% वो जो नहीं खाते होंगे, बट इस मेन मार्केट में मैंने देखा एक आप ही हो जो एकदम ट्रेडिशनल वे में बना रहे हो मटन को। देखो रोगन आ रहा है, इसको ये रोगन आ रहा है। देखो दोस्तों, गिरीश जी एक पीस बाहर निकालो तो कोई, ये देखो यार रोगन देखो कैसे आ गया इसके ऊपर, और ये देखो ये पीस निकाला है गिरीश जी ने, कितना सही लग रहा है। और अभी तो जस्ट डाला ही है हमने, अभी तो इसकी बराबर बुनाई होगी और उसके बाद में ये आएगा हमारी प्लेट में। ये जो है हमारे खड़े मसाले जी, इसको पहले हम इसमें फ्राई कर देते हैं। अच्छा, जो आपने प्याज बोले क्रिस्पी करने से पहले फ्राई कर देते हैं, जो आपने प्याज फ्राई किए थे उसमें डाल दिए थे खड़े मसाले। अब गिरीश जी क्या डालेंगे आप? अपन अब इसमें डालेगा टमाटर, ग्रेवी बनेगी इसकी। अच्छा, आप टमाटर भी डलता है क्या इसमें? बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी, अब ये देखो जी टमाटर डल रहा है, क्या बात है। रोगन अपना अलग आ रहा है, टमाटर अपना बिल्कुल जी अलग जा रहा है। अब ये देखो ये मिक्स हो रहा है, क्या बात है यार। कहाँ थे गिरीश जी आप यार, ये तो मतलब मेरी किस्मत है कि मैं मोमो खाने आ गया आपके पास है ना। ये हमारी किस्मत है कि हम आपके चैनल के साथ जुड़े। अरे यार ऐसी क्या बात है, लेकिन सीरियसली मेरे को ये मेकिंग देख के और मेरे व्यूअर्स को देख के इतना मजा आने वाला है ना, और मेरा एक एक व्यूअर जब धर्मशाला आएगा ना वो आपके पास जरूर आएगा। और भाई आप लोग भी कॉमेंट करके बताओ कि कौन कौन ये देसी हिमाचली मीट खाना चाहता है, हिमाचली रोगन जोश धर्मशाला का। गिरीश जी अभी आपने तो ये डाल दिया इसमें टमाटर की प्यूरी है ना, और दोस्तों पानी बिल्कुल एक बूंद नहीं डला है, तो अभी अपन इसको कितनी देर दम पे रखेंगे? इसको हम ज्यादा ज्यादा 20 से 25 मिनट हल्की आंच में, 20 से 25 मिनट। क्या बात है जी। तो दोस्तों 20 से 25 मिनट अभी ये दम पे रहेगा, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि क्या रहता है। दम लगा दिया। A few moments later. बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा था जब हमने टमाटर डाले थे उसके बाद गिरीश जी ने ये पानी इसमें डाल के दम पे लगाया था, तो ये 20 से 25 मिनट का मैक्सिमम आधा घंटे का दम निकालने के बाद जी अब इसको उठाते हैं हम जी। ये क्या बात है यार दोस्तों, ये देखो ये है रंगत और ये है माहौल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का। और देखो चिरोटी में रोगन देखो क्या आ गया ऊपर से, और एक बूंद भी इस मटन में पानी का यूज नहीं हुआ, जो भी यूज रोगन। ये देखो यार ये है रोगन। चलो तो आप क्या इसको ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल करेंगे सर, इसीलिए रुके हैं यहाँ पे। बाकी सर सच बता रहा हूँ यार, सी यार ये देखो पीसेस यार, क्या बात है। मतलब इतना ट्रेडिशनल मीट रेसिपी चिरोटी में पहली बार हम शूट कर रहे हैं हिमाचल धर्मशाला में, पीसेस आप देख सकते हो। चलो तो आप किस तरह के पीसेस ट्राई करोगे?
मैं अगर करूंगा तो मुझे आप एक तो नली का दे दो बढ़िया सा पीस। नली का दो जी, पहले आपको खिलाते हैं सीने का पीस। ये है जी देखो सीने का पीस। क्या बात है यार, पीस देखो चाहे नली हो चाहे कोई भी हो, सारे पीस इतने खूबसूरत हैं। जो मटन खाने के शौकीन है वो तो ज्यादातर नली खाते हैं देखो। अरे वाह जी वाह, नली का ये आ गया जी, देखो क्या पीस है यार। और ये देखो रोगन आ गया ऊपर से, शानदार प्रिपरेशन दोस्तों, आ रहा है मुंह में पानी। ये है माहौल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का, और इसको सर्व किया जाता है भात के साथ यानी चावल के साथ, है ना। ये देखो जी, ये हो गई प्रिपरेशन हमारी। रोटियां कौन सी यहाँ पे सर्व होती हैं? मटन के साथ जो ज्यादातर जो है वो चलता है तंदूरी रोटी प्लेन। तंदूरी रोटी प्लेन आटे वाली होती है कि मैदे वाली होती है? आटे की, प्योर आटे की। क्या बात है जी, एक बार देख ले। ये देखो दोस्तों, ये लगा हुआ है यहाँ पे तंदूर बढ़िया, और देखो इसके अंदर लगी हुई है रोटी। ये देखो इस तरीके की रोटी होती है। तो दोस्तों देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, हम देखो हम तो खा ही रहते हैं, और यहाँ पे बहुत तरह के लोग आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल्स भी आते हैं, बट यहाँ पे पुलिस मैन भी आते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है, ये देख के अच्छा लगा। तो मैंने कहा सर अगर आप एक ऑडियो बाइट दे पाए, आपको कैसा लगता है यहाँ का खाना? सर जब भी हम फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं थोड़ा दिल्ली से, तो हमारे मैक्सिमम जो पुलिस पर्सन है वो यहीं पे खाने का आनंद लेते हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है यहाँ का? यहाँ पे मटन, मटन मोमोज हर चीज़ अच्छी है यहाँ की। अच्छा, सब कुछ। आज क्या खाया आपने? आज हमने मटन और चपाती चावल। क्या बात है जी, आज हम भी मटन ही खा रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, मतलब आप भी यहाँ पर आए और आपने ये खाया, और आपने तारीफ भी की, अच्छा होगा तभी कर रहे हो, राइट? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो ये है शेरे पंजाब का माहौल, हमारी थाली भी लग चुकी है, अब हम खाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का जायका कैसा है। आइए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष, और ऑल द वे राजस्थान से अब मैं आ चुका हूँ हिमाचल, और हिमाचल में अभी हम हैं धर्मशाला में। धर्मशाला बहुत खूबसूरत शहर है, मतलब यहाँ की वादियाँ, और जो देखो ये पहाड़ी पर है, तो एक पॉइंट था जहाँ से पूरा, और जो हमने होटल लिया है ना, होटल हमारे रूम से बालकनी में हम जाते हैं तो इतनी खूबसूरत वादियाँ दिखती हैं। ये जो मटन डिशेज़ है ना, पहाड़ी मटन भी बनाते हैं, बहुत सही बनाते हैं, और ये है इसकी प्रेजेंटेशन, आप देख सकते हो, हमने आपको पूरी मेकिंग दिखाई थी। आप रंग देखो यार, और जो रोगन जोश का जो रोगन है ना, आप वो भी देख सकते हो। ये देखो इतना शानदार मटन है ये। तो दोस्तों ये ले लेते हैं अपन पीस, देखो ये एक नली का खूबसूरत सा पीस है, और इसको डालते हैं अपन यहाँ पे चावल के ऊपर, प्लेट में बिल्कुल चावल के ऊपर निकाल दिया। देखो ये एक नली का पीस है, और इसमें बोन मेरो देखो, ये देखो यहाँ देखो, ये देखो कैसे निकल रहा बोन मेरो। इस तरीके से कभी आपने नली में से बोन मेरो निकलते हुए नहीं देखा होगा। ये है यहाँ की पकावट, मतलब चरोटी में बना है, चरोटी यहाँ का एक ट्रेडिशनल मटका होता है पीतल का, उसमें ये पूरी प्रिपरेशन हुई है। एक्चुअली यहाँ पे जो बकरा लिया जाता है ना, वो लिया जाता है 20 से 25 किलो का, और 20 से 25 किलो के बकरे को पकने में लगता है टाइम। और जब मैंने गिरीश जी से पूछा था तो इन्होंने बोला ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे लोग मटन खिंचाव वाला खाना पसंद करते हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं गलाते। बट बोन मेरा तो बिल्कुल बाहर आ गई है, लेकिन इसकी जो गलावट है ना, ये उतनी है जितनी यहाँ पे लोग पसंद करते हैं। ये देखो इसको अपन थोड़ा सा इस रोगन में डुबाते हैं, और ये वाला देखो ये है बाइट, एक बार लेके रख के देखते हैं। ग्रेवी बहुत सही है, बहुत सही। टमाटर डाला था, टमाटर की खटास बिल्कुल आ रही है, और जैसा कि गिरीश जी ने बताया था, मटन जो होगा थोड़ा सा खिंचाव लेकर के होगा, क्योंकि लोग पसंद ऐसा करते हैं यहाँ पे, बट टेस्ट बिल्कुल आ रहा है। और ये बोन मेरो मैंने कभी भी इस तरह से तो निकलते हुए नहीं देखा था किसी भी नली में से, विच इज़ सो गुड। उसको खाएंगे और आपको बताते हैं टेस्ट। और ग्रेवी, ग्रेवी जितनी चटपटी होनी चाहिए, जितनी जितने मसाले इसमें होने चाहिए, और जो कलर रोगन जोश का होना चाहिए ना, बकायदा है। और अब देखो इसका मैं थोड़ा सा देखो आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ। ये देखो ये है इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बोन मेरो ऑलरेडी है, इस बोन मेरो के ऊपर अपन डालते हैं ये। देखो बोन मेरो को थोड़ा सा देखो ये स्लाइसेस में कट कर देता हूँ मैं, और ये कुछ स्लाइसेस अपन इसके साथ में उठाते हैं। दिस इज़ माई बाइट, और इसके ऊपर मेरे को लगता है थोड़ा सा अपन को ये स्क्विज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा नींबू इसमें डालते हैं। अल्टीमेट टेस्ट है यार, बहुत बढ़िया। कहते ना जो बिल्कुल लपटवा ग्रेवी होती है ना, चटपटी, वो है। टमाटर की खटास बिल्कुल आ रही है, पीसेस बहुत टेंडर हैं, बोन मेरो
इतना मैंने आपको जैसा कि बताया था, बोन मेरो को चूसना पड़ता है, बोटी में से निकालना पड़ता है या हड्डी तोड़नी पड़ती है, बट ये तो बस हमने उठाया था और निकल गया। तो बिना मेहनत के बोन मेरो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था हिमाचल की पहाड़ी में मेरे को ऐसा टेस्ट मिलेगा, सीरियसली। और आपको इसके लिए ज़्यादा कहीं यहाँ वहाँ भी नहीं जाना, जब आप धर्मशाला एंटर करते हो ना, धर्मशाला एंटर करती है पेट्रोल पंप आता है, और धर्मशाला वाली ये वाली एक मेन रोड आती है, यहीं पे मेन मार्केट में ये से है शेरे पंजाब करके इनका ये रेस्टोरेंट है, यहाँ आके आप ये खाना, मज़ा नहीं आ जाना आपको तो मेरे को बोलना। और किस किस को ये प्रिपरेशन देख के मज़ा आया, चिरोटी वाला प्रिपरेशन, बट क्या रोगन आया था उसके ऊपर। अब देखो हमने चावल के साथ तो खा लिया, अब हम रोटी मंगवाते हैं, आपको रोटी के साथ भी खा करके बताते हैं। बिल्कुल जो है सारा जो है मैंने इस पे से निकाल के इस पे डाल दिया है, अब अपन इसमें डालते हैं रोगन जोश, इसका रोगन। अब इस पे डालते हैं अपन ये प्याज, ये देखो जी ये प्याज डाल दिए। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी कि यहाँ का जो तरीका है ना खाने का, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है कि चावल पे पहले लोग ये डाल देते हैं मीट, और इसके ऊपर ये प्याज व्याज और ये थोड़ा नींबू वीबू डाल के फिर चावल के साथ ही रोटी पे ले लेते हैं और फिर खाते हैं। सज्जन खा रहे थे तो मैंने देखा, तो मेरे को लगा कि मैं भी वैसे ही खा करके देखूंगा। ये देखो जी ये नींबू डाल दिया। अभी आ गई जी गर्मा गर्म रोटी हमारी, ये देखिए ये तंदूर की रोटी है और मैदा नहीं है इसमें बिल्कुल, जो ये देखो। अब ये लिया अपन ने, अब देखो ये जो बाइट बनाया था ना अपन ने, इस बाइट को ले लेते हैं इसके अंदर। सी इसमें मीट है, चावल है, प्याज भी है और नींबू भी है। देखिए दिस इज माई बाइट, सर ने एक लाइन बोली थी जब मैं आया था इनके किचन में, इन्होंने बोला था आपने राजस्थान में बहुत खाया होगा, राजस्थान के बकरे में और पहाड़ी बकरे में बहुत डिफरेंस होता है, राजस्थान से 10 गुना बैटर मिलेगा आपको। तो देखो बैटर तो कहीं ना कहीं लग रहा है क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बट 10 गुना या कितना गुना वो पता नहीं, बट हाँ मेरे को ये प्रिपरेशन बहुत अच्छी लगी। रिकमेंड यू दिस प्लेस, अगर आप धर्मशाला आते हैं और नॉनवेज के शौकीन हैं मटन चिकन के, तब शेरे पंजाब जरूर आइएगा, और रोगन जोश एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। इतना स्वादिष्ट मेरे को हिमाचल में मटन रेसिपी मिलेगी मैंने सोची नहीं थी। तो इसकी जो रेटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बकायदा ये होनी चाहिए, इससे 1% कम नहीं। और इसका जो प्राइस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो पोर्शन हमने लिया है वो क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैं अकेला ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता था, इनका क्वार्टर लेंगे तो इससे थोड़ा सा क्वान्टिटी ज़्यादा आएगा। वैसे इनका हाफ का प्राइस जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इनके जो फुल पोर्शन है उसका प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये तो प्राइजेस हैं यहाँ की, एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप धर्मशाला आते हैं तो ये बहुत वेल नोन जगह है, काला मोमो शॉप, ये यहाँ का एक तरीके से लैंडमार्क है, तो इन्हीं का है ये शेरे पंजाब, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। बाकी मटन रेसिपीज एक नंबर है, ज़रूर आना, मैं रिकमेंड करूँगा आपको। देखो पता है क्या है, मज़ा आ जाता है जब अगर कभी हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं और वादियाँ जो हमें दिखती है, जो मौसम हमें ठंडा मौसम मिलता है, राजस्थान में तो आप जानते हो इस समय कितनी उमस और गर्मी है, तो मैं इस तरफ आ गया था कि ठंडी जगह चलते हैं वहाँ का जायका दिखाते हैं, और मुझे पता नहीं था कि इस तरह का जायका मिल जाएगा, तो आई थिंक मैं लकी था। बट आप भी अगर आते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएगा, एंड अब मेरे से रहा नहीं जा रहा ना, अब मैं इसको लपेट के खाऊंगा जैसे मैं राजस्थानी तरीके से खाता हूँ। आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और नई जगह किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।